सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। आज आप सब लोगों के समक्ष उपस्थित हैं, आप सबको ध्यान में है राज्य की ऐसे तो कई एक समस्याएं हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो स्थानीय निकाय का जो चुनाव है उस चुनाव को लेकर के और भी बाकी समस्याएं हैं। तो पार्टी की ओर से तय हुआ है कि 16 तारीख को 16-12 को राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालय में एक दिन का एक दिवसीय धारणा का कार्यक्रम है। तो आप सब लोगों के संज्ञान में है कि भाई इस राज्य में जो स्थानीय निकाय है ये पहले ही कई एक नगर निगम थे जिसका तो कार्यकाल पूरा हो गया, या नगर पंचायत जिसको कहते हैं स्थानीय निकाय में, मैंने एक तो 6 नगर निकाय जो बना हुआ था ये नया बनाया है, उसमें चुनाव होना, लेकिन कोरोना के कारण न सरकार ने उस समय चुनाव नहीं कराया। तो उस समय तो हम सब लोगों ने भी कुछ नहीं बोला था क्योंकि कोरोना बिल्कुल पीक पॉइंट पर था, और 8 उसमें से देवघर और धनबाद तो नगर निगम है, और शेष जिसको कहते हैं ना कि नगर पंचायत है, नगर पार्षद है, सब तो कुल मिलाकर के ये 14 स्थानीय जो निकाय है नगरों में वो पूर्व से ही ड्यू पड़ा हुआ है। कोरोना के कारण उस वक्त सरकार ने चुनाव नहीं कराए, और अब पंचायत का जो त्रिस्तरीय पंचायत है उसका कार्यकाल दिसंबर में समाप्त हो रहा है, लेकिन राज्य सरकार चुनाव कराने पर कहीं भी कोई दिख नहीं रही है और एक प्रकार से बैठे हुए, क्योंकि साफ ये समझ में आता है राज्य सरकार की मंशा, जो कि राज्य सरकार चाहती नहीं है कि शक्ति का कोई विकेंद्रीकरण हो और सब कुछ अपने हाथों में लेना चाहती है, पूरे लोकतंत्र जिसको बोलते हैं ये लोग, बड़े बड़े गांधी जी की बात करते हैं, और कांग्रेस भी सरकार में वो लोग तो ये कहते हुए नहीं थकते हैं कि भाई पंचायत की जो व्यवस्था इस देश में राजीव गांधी ने लाया, लेकिन इस राज्य की हालत क्या है, जब इसका कार्यकाल पूरा हो रहा था तो इसको चुनाव की प्रक्रिया तो 2-4 महीनों से शुरू हो जाती, लेकिन बिल्कुल अभी भी कहीं अब तो दिसंबर में इसका कार्यकाल ही समाप्त हो रहा है, तो उस पर कुछ भी सरकार की ध्यान नहीं है उस पर, यानी पूरे तंत्र को अपने कब्जे में करना चाहती है सरकार ताकि पावर अपने पास सिमट जाए और सरकारी कर्मचारियों और पदाधिकारियों से फिर काम करावे, और काम के एवज में जिस प्रकार से करप्शन है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, तो कि कमीशन सत्ता में बैठे हुए लोग यहां तक पहुंचे, यानी इसके ही एक प्रकार से वो जुगाड़ लगा रही है। तो इसलिए पार्टी की ओर से यह डिमांड है, इसी डिमांड को लेकर के हम लोग 16-12-2020 को प्रखंड मुख्यालय में धरना है कि हम लोग की मांग है कि भाई स्थानीय निकाय का चुनाव सरकार को अविलंब कराना चाहिए, बिना विलंब किए उसको कराना चाहिए, क्योंकि इस बीच में आप सब ने देखा कि दुनिया में भी बड़ा बड़ा चुनाव हुआ, अपना देश में भी बिहार में विधानसभा का चुनाव हो गया, झारखंड में भी 2 विधानसभा का उपचुनाव हो गया, देश के कई हिस्सों में अभी आप सब लोगों ने अखबारों में सब देखा कि राजस्थान में चुनाव हो गया स्थानीय निकाय का, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में भी जो क्षेत्रीय वहां के जो काउंसिल था उसका तो चुनाव हो गया, लेकिन जम्मू कश्मीर में भी जिला परिषद वगैरह का जो चुनाव चल रहा है, और यहाँ तक जो कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित था दुनिया के जो सबसे बड़ा देश अमेरिका, वहां भी चुनाव हो गया। तो हम कहेंगे कि भाई राज्य सरकार को बिना विलंब किए
स्थानीय निकाय का चुनाव, त्रिस्तरीय जो पंचायत है और साथ में जो नगर निगम है, नगर पार्षद है, नगर पंचायत है, जिसका जो चुनाव पहले से ही ड्यू पड़ा हुआ है, इन सब का बिना विलंब किए चुनाव कराना चाहिए और ताकि लोकतंत्र और मजबूत हो, गांव तक पहुंच सके। अगर चुनाव नहीं होगी, आज जो भी थोड़ा बहुत काम दिखता है ग्रामीण क्षेत्रों में, जो बहुत बड़ी तादाद में लोगों को रोजगार दे रही मनरेगा से या बाकी और सारे काम जो लोगों को मजदूरी मिल रहा है, तो फिर जिन जिन राज्यों में चुनाव नहीं होता है, पहले भी यही हुआ था, इसी कारण से इस राज्य में चुनाव कराना पड़ा पिछले, उस समय भी याद होगा आप सब लोगों को, कई झंझावतों के बाद थे। तो राज्य फिर केंद्र की सहयोग से गांव छूट जाएगा, मजदूर उससे मरहूम हो जाएंगे। एक तो पहले से ही झारखंड में इतनी बड़ी बेकारी और बेरोजगारी की समस्या है, पहले से यहाँ बड़ी तादाद में लोग पलायन कर चुके हैं, जो कुछ लोग यहाँ बचे हुए हैं जिनको जो रोजगार मिल रहा था ये पंचायत के माध्यम से, स्थानीय निकाय के माध्यम से, और ये अब चुनाव नहीं होगा तो वो भी काम बंद हो जाएंगे, तो बचे खुचे जो लोग गांव में है वो भी लोग बाहर चले जाएंगे और राज्य में फिर क्या कहते हैं अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो इसलिए पार्टी की दृढ़ मत है कि सरकार को चुनाव करानी चाहिए, चुनाव में बिल्कुल विलंब नहीं करनी चाहिए, अब त्वरित सरकार को उस दिशा में आगे बढ़नी चाहिए। फिर दूसरा जो मामला है महत्वपूर्ण, वो है किसानों को लेकर के, किसानों को लेकर के नहीं, धान के क्रय को लेकर के। अब किसानों के खेत से आप धान तो खलिहान में भी और खलिहान में भी धान निकाला गया, लेकिन सरकार ने कहीं कोई खरीदारी की, केंद्र की तो उन्होंने 398 ऐसे केंद्र की घोषणा कर रखा है क्रय केंद्र की, लेकिन कहीं कोई क्रय केंद्र की कोई खरीदारी की कोई व्यवस्था नहीं है। अब इस कारण से झारखंड में जो किसान है वो बिचौलियों के हाथ हो, मतलब आधे दामों में 900, 1100, 1100 रुपये अधिक से अधिक किसानों को बेचना पड़ रहा है। और आज ही हमने किसी अखबार में देखा राज्य के मुख्यमंत्री कहता है कि हम देश के किसानों के साथ हैं, मैंने देश के किसानों के साथ हैं, झारखंड के किसानों के साथ ये नहीं है। अब जरा सोचो भाई, केंद्र सरकार ने जो MSP जो घोषित की है 1864 रुपया, और राज्य सरकार का अनुदान है कि भाई जो बोनस या क्या कहते हैं 182 रुपया, तो अब ये 2050 रुपया से तो आज किसान वंचित हो रहे हैं। राज्य के जो वित्त मंत्री कहते हैं कि धान में नमी होता है इसलिए सूखेगा तब खरीदेंगे, हमने पता किया किसानों से कि भाई किस प्रकार से आप लोग धान बेचते हैं, कैसे क्या करते हैं, तो बताएं कि सर पहले से बेचते हैं और वो नमी के नाम पर 100 किलो में 15 किलो उसको काट करके ही पेमेंट लो किसानों को किया जाता है। कहने का अर्थ है कि जो धान में मॉइस्चर होता है उसको खरीदते समय ही लैम्स हो, पैक्स हो, जहां भी सरकारी खरीदारी होती है उसको वहीं माइनस करते हैं। तो ये तो इनको खरीदारी नहीं करनी है, किसानों के प्रति इनकी दर्द कुछ भी नहीं है। और दो दिन पहले आप देखें कि ये लोग बड़ा किसान तो नहीं थे, नेता लोग रोड पर घूम करके हंगामा मचाए हुए थे, जैसा लग रहा था कि लोग किसानों के बड़ा हितैषी है, लेकिन वास्तव में एक दो झारखंड में छोटे छोटे किसान होते हैं, कोई बड़े बड़े कोई जमींदार नहीं कि फरवरी तक वो धान को रखेंगे घर पर, खेत में आता है, खेत से खलिहान में आता है और खलिहान से कूट करके तुरंत वो बेचते हैं। अब ये कह रहे हैं कि फरवरी तक हम खरीदेंगे, किसान तो तुरंत कूटता है, तुरंत बेचता है और फिर अपना काम करता है आगे। आज अगर ये खरीदारी करती
तो राज्य के किसानों को जो केंद्र सरकार की अगर ये बोनस नहीं भी देती, अनुदान नहीं भी देती, तो 1868 रुपया तो ये किसानों के खाते में पैसा जाता। लेकिन सरकार को तो किसानों की कोई चिंता नहीं है, ये तो खाली जिसको क्या बोलते हैं, जो जानकारी हम सब लोगों ने प्राप्त की थोड़ा सा पलामू वगैरह में, थोड़ा सा वो भी आंशिक रूप से, ऐसा नहीं। और जगह जगह से किसान लोग टेलीफोन कर रहे हैं, हमें रोज कह रहे हैं कि सर खान की खरीदारी कहीं नहीं हो रही है, कोई खरीदने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। तो हम सरकार से कहेंगे कि भाई बिना विलंब किए सरकार को या तो पंचायत स्तर पर या जितना भी लैम्स है, पैक्स है, उसमें धान की खरीदारी की सरकार को तुरंत व्यवस्था करनी चाहिए, उसमें विलंब नहीं करनी चाहिए। क्योंकि सवाल किसानों की है, किसान आज, और झारखंड में तो हम सबको पता है यहाँ मार्जिनल किसान है, कोई बड़ा बड़ा यहाँ किसान नहीं है कि उतना दिन तक वो प्रतीक्षा करेंगे और तब सरकार को बेचेंगे। इसलिए हमारी सरकार से ये मांग है कि वो जल्दी से जल्दी, तो ये दूसरा मुद्दा है जो हमने कहा कि 16 तारीख को कई मुद्दों को लेकर के हमारी पार्टी सभी प्रखंड मुख्यालय में धरना में बैठेंगे। पहला हमने कहा कि स्थानीय निकाय है, दूसरा धान की खरीदारी अविलंब शुरू किया जाए, तीसरा जो बड़ा ज्वलंत तो मुद्दा है वो है बालू घाट को लेकर। झारखंड में 24 जिला है और 24 जिला में से हमारे पास जो जानकारी है मात्र 25 बालू घाट की नीलामी है जिसको कह सकते हैं विधिवत, और बाकी यानी कहीं कोई नीलामी नहीं है। आप कहेंगे कि उसके बाद क्या हो रहा है, लेकिन यहां जो स्थानीय जो निर्माण कार्य चल रहा है वो सब भी प्रभावित हो रहा है, यानी उन लोगों को महंगी दामों में बालू को खरीदना पड़ता है। उसमें भी अगर कोई अपना घर बनाते हैं या कोई गरीब तो प्रधानमंत्री आवास बना रहे हैं, तो वहां भी अगर कोई ट्रैक्टर से बालू ला रहा है तो पुलिस वाले ट्रैक्टर को भी पकड़ करके थाना में डाल देते हैं, लोगों के ऊपर केस कर देते हैं। भयाक्रांत है, भयाक्रांत क्या, भया दोहन हो रहा है पूरी तरह से, ये पूरे प्रदेश में ये स्थिति है। मैंने बालू की तो झारखंड के अंदर लोग परेशान है, और सरकार ने क्या किया है, राज्य सरकार ने, माइनिंग विभाग ने बालू डंप की लोगों को लाइसेंस दे रखा है भिन्न भिन्न जगहों पर। और मैं तो कहूंगा कि हमारे जहां मेरा गांव है उससे 20-30 किलोमीटर एक सकरी नदी के किनारे में एक क्या कहते हैं डिपो बनाने के लिए किसी को लाइसेंस दे रखा। तो एक दिन हमने माइनिंग विभाग के जिला में माइनिंग ऑफिसर से हमने पूछा टेलीफोन से कि हम बोले साहब ये कहाँ दे रखे, बोले नहीं हम लोग तो नहीं, राज्य से ही वो डिपो के लिए लाइसेंस निर्गत होता है। हमने पूछा कि बालू कहाँ से वो लाता है, बोला कि हमें तो पता नहीं। फिर हमने उसका तहकीकात करना शुरू किया, एक तो ये जो 24-25 जो बालू घाट है उससे लाइसेंस दे रखा है लोगों को, और यहां तक कि डिपो में बालू बंगाल से भी ला करके वहां रख सकता है इस प्रकार के, ताकि, लेकिन होता क्या है सच्चाई में तो यही है, जहां बालू गाड़े बगल की नदी से उठा करके और उस डिपो में रख करके और फिर रात में बालू सब बिहार की ओर, बंगाल की ओर या बाहर जा रहा है ट्रक के ट्रक। और इस काम में पूरी तरह से कांग्रेस के लोग और जेएमएम के लोग लगे हुए इस लूट में पूरी तरह से पूरे राज्य में, और ये खेल थोड़ा मोड़ा नहीं है, पूरे एक साल में लगभग 1,000 करोड़ रुपया का खेल। यानी राज्य के मुख्यमंत्री बार बार कहता है कि भाई हमारे खजाना में पैसा नहीं है, तो इसके खजाना में कैसे पैसे पैसा आएगा। अगर उसको लीगलाइज करता या टेंडर करते, नीलामी करता, हम सरकार से ये मांग करते हैं कि भाई आप जब तक नीलामी नहीं करते या कोई अल्टरनेट कोई वैकल्पिक व्यवस्था आप नहीं खड़ा करते तब तक आप स्थानीय निर्माण के लिए, मैं स्थानीय निर्माण शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, यानी राज्य के अंदर में जितना भी जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जहां बालू की जरूरत है उसको आप फ्री कर दीजिए। अब झारखंड के जितने भी बॉर्डर है वहां पर चेक पोस्ट आप लगा दीजिए,
अगर कोई तस्करी करता है, कोई यूपी की ओर बालू ले जाता है, बिहार की ओर बालू ले जाता है, बंगाल की ओर ले जाता है, छत्तीसगढ़ उड़ीसा की ओर ले जाता है, अब उसको पकड़िए उस पर, हम लोग उस पर कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन आज इस झारखंड प्रदेश में जो लोगों को रोजगार मिला हुआ है, जो मजदूर जो मजदूरी कर रहा है, कहीं कोई बिल्डिंग का काम चल रहा है बना हुआ, कहीं अपना घर कोई बना रहा है, कोई कुआं बना रहा है, कोई सड़कें बन रही है कहीं भी, तो यहां जहां बालू सस्ता मिलता है वहां बालू महंगा हो रहा है, क्योंकि सब एक प्रकार से स्मगलिंग राज्य के अंदर में भी समझिए हो रहा है, ये कालाबाजारी हो रही है। और मजेदार बात है कि ये सारे विभाग मुख्यमंत्री के पास है, खनन विभाग, तब इतनी लूट मची हुई है, तो आप सोच सकते हो। इसका अर्थ ये होता है कि अगर वहां ये स्थिति है, उनके विभाग में, उनके पास विभाग है, तब तो पूरे प्रदेश क्या कहते हैं और विभाग का क्या हालत होगा, आप सब लोग सहज ही समझ सकते हैं। तो ये तीसरा विषय था बालू घाट को लेकर के, हमने कहा है कि वैकल्पिक व्यवस्था होने तक, नीलामी अथवा वैकल्पिक व्यवस्था के होने तक, अब कुछ भी आप व्यवस्था नहीं करते हैं तो राज्य के अंदर में जितना भी निर्माण कार्य पड़ रहा है, चल रहा है, उसके लिए आप कोई रोक टोक नहीं करें, उसके लिए कोई पकड़ दकड़ नहीं, सरकार उसको फ्री करे। और ये पहली दफा नहीं, आप देखे होंगे राज्य बनने के बाद इसी प्रकार से, उस समय राज्य बनने के पहले किसकी सरकार थी, जो लोगों ने आज यहां सरकार बना रखे उन्हीं लोगों के सहयोग से उस समय भी सरकार थी, उस समय भी इसी प्रकार के बालू की लूट होती थी, तो हमने उसको फ्री कर दिया था। और ये हमको लगता है 8-9 तक ये व्यवस्था रही है पूरी तरह से, और कहीं कोई दिक्कत नहीं था, किसी को बालू सस्ता मिलता था, जितना भी कंस्ट्रक्शन का काम चलता था कहीं कोई परेशानी नहीं था। तो हमने कहा कि आप जब तक घाटों की नीलामी नहीं होती है, वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होता है, तब तक आप इसको फ्री कर दीजिए राज्य के अंदर में, राज्य से जो बाहर ले जाता है उसको आप रोकिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां उल्टा हो रहा है, राज्य से बाहर तो जा रहा है, स्मगलिंग हो रहा है कि डिपो बना बना करके, और राज्य के अंदर में जो किसान, जो गरीब, जो अपना घर द्वार जहां बालों के काम पड़ता है, तो उसको तो पकड़ रही है पुलिस, उसको परेशान कर रही है, उसके ऊपर केस कर रही है, या विलंब बंद होनी चाहिए और बालों को में इसको छूट होनी चाहिए। चौथा जो विषय है वो विधि व्यवस्था से है कि आज राज्य में कानून व्यवस्था क्या है, आप सबको ध्यान में है कि उग्रवादियों की गतिविधि लगातार बढ़ रही है, आए दिन घटनाओं में जो वृद्धि हुई है, आए दिन आप सब लोग देख रहे हैं उग्रवादी संगठन की ओर से भी पैसे वसूलने का किस प्रकार से लोगों को धमकियां मिलती है, चिट्ठी डाले जाते हैं, पिछले दिनों देखे होंगे कि अखबार के मालिक के घर में लोगों ने हमला किया था, फिर ग्रेनेड से मिला तो कैसे संबंध उग्रवादियों से, ये सारे बातें सामने आ चुकी है। और आज भी पूरे प्रदेश में जो जानकारी है कि अखबारों में भी छापते रहा, क्या वो लोगों ने एक प्रकार से भर्ती अभियान भी चला रखे हैं, लोगों ने यहां तक कहा कि अगर सीधे लोग भर्ती नहीं होंगे तो जबरदस्ती पकड़ के ले जाएंगे। कुछ वर्ष पहले यही घटनाएं हो रही थी गुमला वगैरह में, कैसे बच्चे लोगों को जबरदस्ती उठा के ले जाते थे। तो सरकार को इसमें काबू करनी चाहिए, सरकार को, नहीं तो राज्य फिर पिछड़ जाएगी। आज हालत क्या है, लॉ एंड ऑर्डर कराची जैसे जगहों में हमें याद है 2000 के पहले यहां दुकानें जल्दी बंद हो जाती थी, उस समय आप सब लोग अगर रहे होंगे सबको ध्यान में होगा, लोग डर से अच्छी गाड़ियां भी लोग नहीं खरीदते थे कि अच्छी गाड़ी देख करके लोग रंगदारी मांगेंगे या कहीं भी लोग हमला कर देंगे। लेकिन राज्य में सीमित संसाधनों के बाद भी उस समय जो एक कंट्रोल हुआ, एक अमन चैन आने लगा, जो चतरा पलामू जैसे क्षेत्रों में, जो जंगलों में किसान बड़े बड़े छोड़ दिए थे खेत खलिहान को उग्रवादियों के डर से, तो फिर किसान खेती बाड़ी सब करने लगे। आज राज्य में अमन चैन आ गया था, लेकिन अब अफसोस होता है कि हमें याद है कि उस समय तो 25,000 करीब पुलिस बल थे, आज तो 80,000 से कभी अधिक पुलिस बल थे। और अब 2019 तक तो हम सब लोगों को लग रहा था कि शायद राज्य में अब अमन चैन आ गया, अब फिर ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही सरकार बदली और हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी यूपीए गठबंधन की,
फिर से स्थिति वही पैदा होगी। इसलिए हम सरकार से चाहेंगे कि भाई उग्रवाद और ये जो पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना और उसके और पांचवा जो विषय है भ्रष्टाचार करप्शन, तो करप्शन के एक लेवल पर है, तो मैं उस लेवल पर बहुत जगह नहीं जाता हूं। पहले से आप सब लोगों ने सुने होंगे बड़े बड़े योजनाएं चलती है तो उसमें ठेका टेंडर कैसे लोग मैनेज करते हैं क्या करते हैं, मैं आज उस और नहीं बात कर रहा हूं। माइनिंग में क्या हो रहा है कैसे हो रहा है चिट्ठी हमने बहुत लिख चुका आप सब लोग भी जानते होंगे, तो उसकी भी मैं बात नहीं कर रहा हूं। आज मैं उन भ्रष्टाचारों की यहां बात करना चाहता हूं जो आम लोगों से जुड़ा हुआ मामला है। जो आम लोगों का जुड़ाव कहां होता है ब्लॉक में, आम लोगों का जुड़ाव कहां होता है अंचल में, आम लोगों का जुड़ाव कहां होता है थाना में। आज ये जो जहां आम लोगों की जुड़ाव है ये केंद्र भ्रष्टाचार के रूप में आज एक स्थापित हो रहा है, बनता जा रहा है केंद्र। आज स्थिति क्या है कि जमीन की कोई मोटेशन वगैरह में तो बिल्कुल लोग बोलता है कि एकदम फिक्स है, बिना पैसे से कोई काम नहीं होता है, ये तो पहले से हम लोग सुनते रहे, लेकिन ऑनलाइन के नाम पर भी अब लोगों की रसीदें नहीं काटती है, उसकी अपनी जमीन है नहीं काट रहा है, कह रहे हैं कि ऑनलाइन हो गया, लेकिन वहां भी कुछ ऐसा अड़ंगा डाल दिया है कि अगर सामान्य आदमी ऑनलाइन उसको ओपन करना चाहेंगे और रसीद अपना काटना चाहेंगे पैसा जमा कर वो नहीं कर सकता है, क्योंकि उनको फिर ब्लॉक में जो कर्मचारी है सीआई है सीओ है उसको पैसा देना ही पड़ेगा तभी उनका रसीद निर्गत होगा, तब ऑनलाइन फिर काम करता है। और हद तो तब हो गई, जितना भी विकास का जो काम होता है ग्रामीण क्षेत्रों में एक चेक स्लिप लोग बोलता है किस जमीन पर बनता है उसका चेक स्लिप सीओ ही देते हैं, कर्मचारी या सीआई ऐसे ही लोगों के ये में होता है, तो हमें तो यहां तक लोग बताए 200-500 हजार रुपया उस चेक स्लिप में भी लिया जाता है जो पहले नहीं लिया जाता था। इन दिनों ये सूचना सब जगह से आने लगी, यानी आप समझ सकते हो एक तो जमीन को किस प्रकार से हेरा फेरी हो रहा है, रोज अखबारों में भी देख रहे होंगे, रोज अखबार में छपता भी, आप सब लोग छापते भी हैं, तो आम लोग इससे परेशान है, गांव में इसी कारण से लड़ाई भी हो रही है, कोई इसकी जमीन उन्होंने चढ़वा लिया उन्होंने ऑनलाइन करवा लिया, अब ये खतियान लेके बेचारा घूम रहा है बंदोबस्त कागज लेकर के घूम रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। प्रखंड में भी वही हाल हो गया कि कितना भी डेवलपमेंट काम है उसमें से उसको पैसा देना पड़ता है, बात तो चलता है सब ये में, अगर नहीं वो रिपोर्ट ही नहीं देंगे, आप पैसा नहीं देंगे, तो आम लोग परेशान है। तो अंचल ग्राम और उसके बाद थाना है वहां भी वही हालत है, कोई भी आप शरीफ इंसान के साथ कोई मारपीट भी हो गया चोरी डकैती भी हो गया तो वहां अगर जाते हैं थाना में तो बिना पैसा से कोई काम नहीं होता है। मैंने इसलिए दो विभाग का विशेष रूप से उल्लेख कर रहा हूं कि दोनों विभाग राज्य के मुख्यमंत्री के पास है, अगर राज्य के मुख्यमंत्री के पास पुलिस महकमा है गृह विभाग है अगर वहां इस प्रकार से लूट मची हुई है, राज्य के मुख्यमंत्री के पास अगर भूमि सुधार विभाग है वहां इस प्रकार से लूट मची हुई है तब तो लगता है इस राज्य को तो भगवान ही बचाएगा। तो इसलिए हमने कहा कि ये जो भ्रष्टाचार का पांचवा मुद्दा है और हमने कहा है कि भाई सरकार को ये जो भ्रष्टाचार पर लगाम ताकि आम लोगों की सहूलियतें होनी चाहिए, आम लोगों की तकलीफ दूर होनी चाहिए, प्रखंड है अंचल है थाना है, इसको पब्लिक फ्रेंडली सरकार को बनानी चाहिए ताकि आम लोग जाकर के अपनी शिकायत दर्ज कर सके उनको वहां न्याय मिल सके। तो इन पांच मुद्दों को लेकर के ही भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि 16 तारीख को 16 दिसंबर को सभी प्रखंड मुख्यालय में धरना होगी और सरकार को हम सब लोग मजबूर करेंगे, अगर इसके बाद भी सरकार नहीं सुधरेगी नहीं सुधारेगी चुनाव पे इसके लिए करेगी तो आगे फिर हम लोग बैठ करके आगे आंदोलन की हम लोग तय रूपरेखा तय करेंगे, लेकिन सरकार को अब हम लोग एक साल उनको हम लोग समय दे चुके हैं, अब एक साल पूरा हो गया, इसके बाद इन सारे जो घटनाएं और लगातार बढ़ रही है तो हम लोगों ने तय किया है कि आप सरकार को घेरना है उनको मजबूर करना है काम करने के लिए। तो मुझे लगा कि आप सब लोगों के समक्ष
ये जो महत्वपूर्ण विषय है, जो आम लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसलिए आज आपके सामने हमें आना पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, इसलिए घटनाएं बढ़ रही है, जब सरकार लगता है कि जब से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी है, तो जितनी उच्चकर थे या जिसको लफंगा टाइप कहते हैं, चोर बदमाश जिसको कहें, तो इन सारे लोगों को लगता है कि सैया भेल कोतवाल तो डर कहेगा। अब इसलिए आप देख रहे होंगे कि इस प्रकार की घटनाएं लगातार हो रही है, बढ़ते जा रहा है। अब उन लोगों की हौसला बुलंद है कि इसलिए लगता है उन लोगों को कोई डर भय नहीं है, नहीं तो पहले कहां ऐसा घटनाएं होती थी। अब तो जहां से वो लोग, आप देख लीजिए, संथाल प्रगणा तो उन लोगों का कर्म भूमि है, उनके पूरा खानदान की, बरहेट की घटना याद कर लीजिए, दुमका चुनाव के समय दुमका के बगल क्या कहते रामगढ़ प्रखंड की घटना सुन देख लीजिए, वहां भी उसी प्रकार से हत्या हो गई। और कल परसों की जो घटना है वो तो एकदम विभत्स है। तो ऐसे पूरे राज्य में ऐसे तो 1300, चूंकि हमने उस इस विषय को नहीं लिया एक करके, हमने लव इन ऑर्डर बाकी में, चूंकि आज महिला मोर्चा की ओर से ऑलरेडी लोग कार्यक्रम कर चुका है, इसलिए हमने उस पर अलग से हमने कुछ यहाँ प्रकाश नहीं डाला विषय। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पहले नहीं था, हमने तो कभी ये नहीं कहा, हमने कहा कि आज तो सिर चढ़े बोल रहे हैं। और ये लोगों ने दावा किया था बड़ी बड़ी बातें, और हम तो ये दावे के दाम तो लोगों से पूछते हैं, जैसे लोग कहा ना क्या अभी हम बोल रहे थे, कौन वो जो चेक स्लिप, तो चेक स्लिप में हम पूछे पहले भी पैसा लगता था, ये बोला कि पहले कोई लेता ही नहीं था, इस पर कोई मांगता ही नहीं था। तो ये तो नई चीजें, आखिर हम लोग जो काम करते वही लोग बताते हैं, तो मैं ये कह सकता हूं। और पहले इस प्रकार से थाना कोई बेलगाम नहीं था, ठीक है, करप्शन कई स्तरों पर हमने कहा कि हर समय होते रहा है, हम भी जब मुख्यमंत्री थे तब भी हम ही नहीं कह रहे समाप्त, लेकिन एक भय था कर्मचारियों में, भय था अफसरों में, अगर पकड़े जाएंगे तो सजा होगी, उनके अंदर में शर्म नाम की भी कोई चीजें बची हुई थी। आप तो कुछ भी नहीं है, तुम शिकायत करते रहो, लिखा पढ़ी करते रहिए, कुछ नहीं है, गांव वालों को सब बोल देता है लोग, आप जहां जाना है जाइए, लेकिन पैसा आपको दीजिएगा तभी आपका काम होगा, ऐसा उससे पहले नहीं था। बाबूलाल जी, आपने कहा कि 2019 तक लगा कि 2000 से पहले के जो दृश्य थे, जो हालात थे, वो अब आके 2019 तक हो गए। हम ये जानना चाहेंगे 2006 से लेकर और 2019 तक जो आपने इसी राज्य के अंदर इसी राज्य की सरकार पर जो सवाल उठाए थे, नहीं मैं एक तो नहीं नहीं मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि देखिए घटनाएं, नहीं मैं फिर कह रहा हूँ घटनाएं होती रही है, लेकिन अगर आप देखें 2000 ये में 19 तक आते आते ऐसा एहसास होने लगा कि अब ये सर नहीं उठा पाएंगे। आज तो हमारे पास जानकारी है, जिनके ऊपर इनाम घोषित था वो सारे लोग झारखंड छोड़ करके भागे हुए थे। आज मेरे पास खबर है कि वो सारे उग्रवादी आ गए झारखंड की धरती में और रोज लोग उत्पात कर रहे हैं, ये पुलिस विभाग को भी पता है। गिरिडीह को लेकर जो आपने जो प्रोग्राम भी हुआ आपका, बालू को लेकर जो कार्यक्रम, मुन्नूलाल मरांडी ने कुछ सवाल उठाए थे एक अधिकारी के बारे में, जो उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया, आप उससे सहमत हैं? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। हमने डायरेक्ट तो नहीं बात किया था, लेकिन मैंने अपने लोगों को कहा था कि भाई को बोलो जाकर के इस बीओ से क्षमा मांग ले, और फिर वो जग गया और जाकर के मिल करके उनसे क्षमा भी मांगा। हमको लोग बताया कि वो गए थे वहां पर, हम कभी भी इस प्रकार की चीजों का, हम किसी का हम समर्थन नहीं कर सकते, चाहे भाई हो, चाहे बेटा हो, चाहे कार्यकर्ता हो, हमारे लिए इस राज्य की जनता ही भाई है, इस राज्य की जनता ही सब बेटा है, और किसी भी सामाजिक और राजनीतिक व्यक्ति से हम इस प्रकार की अपेक्षा नहीं कर सकते। आपने
बाबूलाल जी, पंचायत चुनाव की आप मांग कर रहे हैं, लेकिन वहाँ राज्य निर्वाचन आयोग के गठन के लिए वहाँ के नेता प्रतिपक्ष की जरूरत होती है, आज उनकी नियुक्ति के लिए उसमें भूमिका है राज्य में, तो नेता प्रतिपक्ष हम भले राज्य में नेता प्रतिपक्ष तो क्या भाई, भारतीय जनता पार्टी ने तो सब करके दे दिया है सरकार को, अब सरकार को करना है, विधानसभा को करना है, इसलिए ये सब बहानाबाजी नहीं चलेगी भाई। चलो बहुत बहुत धन्यवाद।